हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी। और आज की रेसिपी है सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और रस वाले आलू। ये दोनों चीज़ हम व्रत में खाते हैं। ये दोनों चीज़ बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम रस वाले आलू तैयार करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच घी, 4 से 5 उबले हुए आलू, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 से 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 कप पानी, धनिया पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। यहाँ हमने घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च को हम भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को ढककर पकने देंगे जब तक वह पूरी तरह गल ना जाए। हमारे टमाटर अब अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को हम अपने हाथ से फोड़ के डालेंगे, इसे हम चाकू से नहीं कट करेंगे ताकि इसमें छोटे बड़े हर तरह के पीसेस हों आलू के और हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक दिखेगी और इसका टेस्ट और टेक्सचर भी अलग आएगा। आलू डाल के हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। आपको जिस हिसाब से गाढ़ा या पतला ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी घटा बढ़ा सकते हैं। पानी डाल के हम इसे अच्छे से चला देंगे। फिर हम आंच को थोड़ा तेज करके ग्रेवी में बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम इसे धीमी आंच पर ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और देख लेंगे हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी बची है। अगर हमें ग्रेवी और चाहिए तो हम थोड़ा सा पानी बढ़ा देंगे और फिर से उबाल लेंगे, नहीं तो हमारा रसेदार आलू सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। इसे कटे हुए धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अब हम सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सिंघाड़े का आटा, आधा चम्मच सेंधा नमक और 2 उबले हुए आलू। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप सिंघाड़े का आटा ले लेंगे और साथ में डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू अपने हाथों से मैश करके। आलू डालने के बाद हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। हम इसका एक मुलायम डो बना लेंगे। डो ना ज़्यादा कड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा नरम। अब हम एक नींबू के आकार का लोई अपने हाथों में लेके उसे गोल कर देंगे और फिर अपनी उंगलियों की मदद से उसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अगर आपको प्रेस करने में दिक्कत आ रही हो तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। ध्यान रहे हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, नहीं तो ये फट जाएगा। हम इसे एक छोटी सी पूड़ी के साइज का ही तैयार करेंगे जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया है। बाकी पूड़ियाँ भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। पूड़ियों को तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल या घी गरम कर लेंगे और हम एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा तेल का टेम्परेचर सही है या नहीं। फिर हम अपनी पूड़ियों को एक एक करके तेल में डाल लेंगे और पूड़ियों को हम बीच बीच में चलाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आँच हम ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, मीडियम आँच पर ही पूड़ियों को पकाएंगे। हमारे सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ नॉर्मल पूड़ियों से थोड़ी सी मोटी और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी। हमारे सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे किसी टिश्यू पेपर पे निकाल के रख देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ऐसे ही हम बाकी सारी पूड़ियों को तल के निकाल लेंगे। हमारी सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ रेडी हैं। सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ गर्मा गर्म रसेदार आलू के साथ सर्व करने को तैयार है। Thanks for watching my video. Your valuable comments and suggestions are most welcome. Thank you.